अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में सारा सीके व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस चीज़ें ठीक नहीं हैं, साल के स्टार्ट में मैंने शुरू किया था ब्लॉग बनाना, बना भी रही थी, सब कुछ सही जा रहा था, परफेक्ट नहीं था। इंसान की लाइफ में तो वैसे भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बस जिंदगी गुजार रही थी, अल्लाह का शुक्र था अच्छे से जी रहे थे, जॉब भी कर रही थी, सब सही था। रमजान आया, अच्छे से गुजर रहा था, 29 रमजान, सहरी के टाइम मेरे शौहर दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, जैसे ऐसा लगा कि अभी कुछ भी बाकी नहीं है। दिल जा मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है। दुनिया कहती है ऐसे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ठीक है मरने वालों के साथ मरते नहीं है, लेकिन ठीक से जी भी नहीं पाते। कुछ लोग तो जीते जी मर जाते हैं, मैं भी मर जाती शायद, लेकिन जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं शायद उनको पता होगा, या आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 2 बेटे, उनको देखा, उनकी शक्ल देखती तो सब्र आ जाता, उनको देख के सब्र आ जाता है। इद्दत में थी मैं, अभी इद्दत कंप्लीट हो गई है, तो बच्चों को देखना है, उनका लुक आफ्टर करना है, उनको पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। मैंने कहा था दोबारा ये स्टार्ट करूं, मुझे नहीं पता गाइस मैं कितना कर सकती हूँ, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बस एक बात जानती हूँ, मेरे उस रब ने जो भी मेरे लिए लिखा है, जो मेरे बच्चों के लिए लिखा है, वो ठीक ही होगा। अल्लाह ताला ने बुला लिया उनको अपने पास, यकीनन वो अल्लाह को बहुत प्यारे थे जो उन्होंने उनको बुलाया, और इतनी प्यारी बड़ी रात उनको नवाजी। इंसान की औकात बस इतनी है, यहाँ तक, यहाँ पे इंसान मजबूर हो जाता है। आप लोगों को पता है पहले वो बाहर जाना जाते थे,
आई एम सॉरी गाइस, मुझसे वीडियो नहीं बन पा रही, बहुत मुश्किल, किसी अपने को खोकर जीना, बट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जी रही हूँ। इस टाइम मैं उनकी मम्मा भी हूँ, उनका बाबा भी हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनकी बाप की कमी ना हो। मैं जानती हूँ वो बाप वाली शफ़क़त, वो बाप वाला तहफ़्फ़ुज़, वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, चाह कर भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश है, अल्लाह उसको कामयाब करे। मुझे उस रब ने इस मुसीबत में डाला है यार, इम्तिहान मुसीबत जो भी कह रही हूँ। अभी मेरा, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा अभी दिमाग काम भी नहीं करता, मुझे चीज़ों का पता भी नहीं चलता, मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। हम तो अभी तक यकीन ये भी नहीं आया कि वो हमें छोड़ कर चले गए हैं हमेशा के लिए, गए भी ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस ही नहीं आ सकता। वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, रिक्वेस्ट है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, कोशिश करूँगी कि अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ, आप लोगों को इंटरटेन कर सकूँ, नहीं कर सकूँ तो माफ़ करिएगा, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं, छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।